लास्ट वीडियो में हमने माइक्रो ब्लॉगिंग पढ़ा था और इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ट्विटर डिस्कस किया था नाउ वी विल डिस्कस टुडे ब्लॉग कमेंट्स एंड फोरम्स एन ऑनलाइन फोरम इज़ द साइट दैट लेट्स यूजर इंगेज इन कॉन्वर्सेशन कॉन्वर्सैन बाई पोस्टिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू कम्युनिटी मैसेजेस मतलब क्या है कि यूज़र्स को क्या करती हैं कानवर्सेशन के लिए इनेबल बनाते हैं कम्युनिटी मैसेज के बहुत सारे अ ब्लॉग कमेंट साइट इज़ द सेम थिंग एक्सेप्ट एक्सेप्ट लिटल मोर फोकस द कमेंट्स आर यूजली सेंटर अराउंड द स्पेसिफिक सब्जेक्ट ठीक है इस्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ द अटैच ब्लॉग In other words, a blog is basically a weblog, a kind of website, a journal that is updated regularly. It is a discussion platform besides being a content achieved. People can, people can discuss a topic on a blog and comment on posts. इट इज़ बेसिकली रन बाय एन इंडिविजुअल और अ स्मॉल स्मॉल ग्रुप मतलब इसमें क्या है जनरली कि कंटेंट वगैरह को अचीव करना या किसी वेबसाइट को शेयरिंग की जगह किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पेशल टॉपिक पे ब्लॉक किया जाता है और उससे क्या करा जाता है उसमें डिस्कशन किया जाता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और इट इज़ रन बाई इंडिविजुअल यानी किसी इंडिविजुअल के थ्रू या फिर इस्मॉल ग्रुप के थ्रू ये रन किया जाता है नाओ नेक्स्ट ब्लॉगिंग एवरी एक्टिविटी स्किल टेस्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मैनेज अ ब्लॉग कम्स अंडर दर्व्यू ऑफ ब्लॉगिंग फॉर एग्जाम्पल जैसे राइटिंग पोस्ट पब्लिशिंग डैम डिजाइनिंग सोशल मार्केटिंग एक्सेस्ट्रा इन सिंपल वर्ड्स ब्लॉगिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू कंटेंट टू ब्लॉग एंड अपडेटिंग एट रेगुलर इंटरवेल जैसे जो ब्लॉग किया गया उसके अंदर उसको अपडेट करना ये सारी चीज़ें एडिंग न्यू करना ये सब क्या कहलाता है ब्लॉगिंग कहलाता है ना दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ब्लॉगिंग ब्लॉगर ब्लॉगर पर्सन जो इन्वॉल्व करता है ब्लॉगिंग के अंदर जो ब्लॉगिंग करता है वो क्या कहते हैं ब्लॉगर पर्सन इन्वॉल्व इन ब्लॉगिंग इज कॉल्ड अ ब्लॉगर नेक्स्ट है ब्लॉगर सर्विस इट इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल दैट अलाउ अस कंपोज़ अ पोस्ट एडिट अपडेट एंड मैनेज इड यू कैन कस्टमाइज यूअर ब्लॉग ईजिली विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगर इट लेट्स यू शेयर वॉट इज़ ऑन यूर माइंड एंड अंड मनी It is a convenient platform for Avid as well as novice users. No technical knowledge, technical knowledge or coding is required. It runs directly Google's servers. Ustade WordPress It's a free software to create a customize a search engine friendly website or a blog. नंबर ऑफ थीम्स एंड प्लगिन आर अवेलेबल टू ट्रांसफॉर्म योर वेबसाइट एज रिक्वायर्ड ठीक है जिस तरह से रिक्वायर्ड होती है उसको थीम्स और प्लगिन अवेलेबल होते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी मिलियन पीपल आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड प्रेस कम्यूनिटी ठीक है तो ये वर्ल्ड प्रेस कम्युनिटी इसके कितने पार्ट कितने मिलियन पीपल हैं पार्ट हैं ठीक है उसके बाद देखो नेक्स्ट है ब्लॉग स्पॉट अब ब्लॉग स्पॉट आप ब्लॉग स्पॉट इज अ फ्री वेब हॉस्टिंग सर्विस गिफ्टेड टू वेब डेवलपर्स बाय गूगल गूगल के थ्रू ये ब्लॉग स्पॉट है इट हैल्प गूगल ब्लॉकर इन डिलीवरिंग इट्स सर्विस वी कैन नॉट यूज़ एनी अदर प्लेटफॉर्म टू यूज़ इट ठीक है नेक्स्ट आपके टम्बलर ये भी एक तरह से माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है दैट अलाउ अस टू मैक अ ब्लॉग एंड कस्टमाइज इट वी मे यूज स्टोरीज इमेज वीडियोज ऑडियोज एक्सेस्ट्रा प्राइवेट भी रख सकते हैं इसको ना नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉगिंग बेटर ऑनलाइन इन्फ्लुएंस होता है इट असिस्टेड मेकिंग इम्प्रेशन बनाने के लिए सेकेंड है इट फॉर्म्स आ गुड सोर्स ऑफ इनकम इनकम का भी सोर्स है ये जैसे कि पेट फ्लाइन है ये कितना आंसर करती है वन लैख डॉलर पर ईयर फ्रॉम इस ब्लॉग ग्रीन एग्जाम अकेडमी से मैंटेनिंग अ ब्लॉग कैन हेल्प इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है और जो ज़्यादातर जो ब्लॉगर्स होते हैं वो अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ही ब्लॉग लिखते हैं अब ब्लॉगर कैन ईज़िली बिकम अ पब्लिश इन ऑथर ऑथर वगैरह को उसको अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस um, करने का भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यू कैन गेट इंस्टेंट फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स एंड शेयर्स ठीक है तो इस तरह से ये कुछ एडवांटेजेस हैं इसके ब्लॉगिंग इज एन नेक्स्ट इसके बाद हाँ गेट अ लॉन्ग फैन फॉलोइंग लिस्ट होती है ब्लॉग कैन हेल्प यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मैंटेनिंग अ ब्लॉग कैन हेल्प योर यू इम्प्रूव और योर टेक्निकल स्किल्स वर्ड प्रेस सेल ऑनलाइन ऑनलाइन हम कुछ सेल कर सकते हैं स्टोर वगैरह एक्सप्रेस योर सेल्फ ब्लॉगिंग इज इज इन ईजी एंड येट श्योर वे टू बिल्ड ट्रस्ट ऑनलाइन ठीक है तो ये कुछ ये एडवांटेजेस है जो तो आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं ना ठीक है तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है ठीक है उसके बाद द योर वर्कशीट ऑफ चैप्टर थ्री विल बी डिस्कस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इसके जो क्वेश्चन uh, आंसर है वो एक uh, उसका असाइनमेंट के फॉर्म में इसको रिटर्न फॉर्म में लिख के और आपको ये सेंड किया जाएगा ओके तो बाकी का जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया जाएगा